हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एलजेब्रा की एक बहुत ही इजी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर चारों टर्म है, इन चारों टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। तो दोस्तों, अगर आपको पहले से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर आपको नहीं आता है तो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एलजेब्रा के एक ही फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला में, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक्स प्लस वन अपन एक्स है, और यहाँ पर देखिए इस टर्म और इस टर्म को देख लीजिए, एक्स प्लस वन अपन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो इन दोनों को हमने रीअरेंज करके लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन अपन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए बी है, ए बी के फॉर्मूला, तो हमने यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वन अपन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर वन बचेगा, तो माइनस वन है, तो यहाँ पर भी माइनस वन ही यहाँ पर हो जाएगा। और फिर देखिए प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर है, तो वन अपन एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। उसके बाद बाकी बचा है ए टर्म और ए टर्म, इन दोनों टर्म को भी लिख लीजिए, एक्स माइनस वन अपन एक्स इंटू, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस वन है, तो हमने इसको लिख सकते प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन अपन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वन बचेगा, प्लस बाकी पड़ा है वन अपन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल हो गया ये, तो इन दोनों ही फॉर्मूला में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिर देखते हैं, एक्स प्लस वन अपन एक्स, इसको ए प्लस बी मान लीजिएगा, तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूला में एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स का होल क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब भी कर सकते हैं, वन अपन एक्स क्यूब। इसी तरह से ये दोनों टर्म इसी फॉर्मूला में आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद एक्स क्यूब माइनस वन अपन एक्स क्यूब हो जाएगा इस फॉर्मूला में, तो इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो दोस्तों, आप देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो मान लीजिए एक्स क्यूब मीन्स ए, एक्स क्यूब मीन्स ए और वन अपन एक्स क्यूब मीन्स बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू, यहाँ पर ए माइनस बी आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, सॉरी दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों, सिंपल फार्मूला है, एक्स क्यूब इसका स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स क्यूब इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका दोस्तों आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर थ्री इंटू टू सिक्स माइनस वन अपन एक्स टू द पावर थ्री इंटू टू सिक्स, ये आपका आंसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और दोस्तों मेरा आगे आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ स्मार्टली स्टडी कीजिए।